बहुत बेकार है यार, हमारे पास एक ही लड़की है और तीन लड़के हैं, दैट इज नॉट गुड। कंचन ही यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल की है। थैंक यू। ऐसा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। इट्स रियली ऑसम पनीर आई हैव एवर हैड। इतना बुरा बना है। Subscribe to our channel. Subscribe. Subscribe. अरे गाइस क्या होता है subscribe भाई बताइए आप। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। अच्छी नींद आई थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, सब लोग भाग दौड़ में टायर्ड थे, सुबह जाना था सनराइज़ देखने, गए ही नहीं। सब लोग अभी कैंप साइट में चारों तरफ सो रहे हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पीना है, चाय पीना है या दूध? अच्छा ठीक है, अभी मार्शमेलो बनाएंगे। ईट मार्शमेलो शाम को बनाएंगे, बेस्ट। आई एम सिटिंग ऑन योर चेयर बिकॉज आई लव दिस चेयर। आई लव यू समीर। आई लव यू, बट समर इज नॉट वेकिंग अप गाइस। आई गाइस, समर नहीं जग रहा है, सो रहा है अभी भी। समर वांट टू गो ऑन बीच। चलो समर को बीच पे छोड़ के चले जाते हैं। देखो अभी जग गया। लेट्स चेक यू आउट। हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोग की साइट वहाँ पे है, इधर भी बहुत सारी साइट अंदर ला के बनाया हुआ है। इधर है, इधर कोई साइट है, इधर उस साइड है कुछ। हमारी टीम प्लान कर रही है कि बीच पे जाना है, बट अभी मन कर दिया है कि मैगी बनाएंगे और चाय, इसके बाद कहीं चलेंगे। एंड पिछली बार हम लोग कैंपिंग गए थे पूरे ग्रुप में, तो ग्रुप में सही में बहुत मजा आया था। इस बार भी ग्रुप नहीं आया, बट अगली बार दोबारा आने वाले हैं। बोलिए क्या बोल रहे हैं। नहीं भाई, टू नाइट के लिए आए हैं, नॉट ओनली वन नाइट। आज भी रात में रहेंगे। हाँ तुमको अच्छा रहेगा, घर नहीं जाए, यहीं पर रहें। तुम लोग को तो यही चाहिए। आज बनेगी मैगी समर के हाथों से, इतना प्यार भरा रहेगा, इतना प्यार भरा रहेगा। अरे भाई बोलने भी दो, लड़के बच्चे। We have only one girl. बहुत बेकार है यार, हमारे पास एक ही लड़की है और तीन लड़के हैं, दैट इज नॉट गुड। We need to What? I want two girls. हाँ, एक तुम अपने लिए और एक समीर के लिए। हमारे लिए यहाँ पे है। एकदम मस्त मैगी बन के तैयार हो गई है, थोड़ा सा सूपी रखे हैं। सो कंचन सोन करके कर कमलों द्वारा बहुत अच्छी सी चाय बनने वाली है, बन गई है। हम भैया फोर्क नहीं लाए हैं, हम लोग भूल गए हैं, तो हमारा नया फोर्क है और इसको खाने के बाद ले चल। स्टिक वन नयो, दिस इज द नेचुरल फोर्क। इसको नेचुरल बोल सकते हो, इको फ्रेंडली बोल सकते हो, सस्टेनेबल फोर्क बोल सकते हो, एंड देयर आर सो मेनी वे ऑफ मार्केटिंग। ओके मैं जा रहा हूँ हॉट चाय पीने हॉट गर्ल के साथ।
तो बीच पार्किंग का $25 है और हमने सोचा कि परमिट ले लें तो हम अपनी कार को सैंड पे चला सकते हैं। तो वन डे परमिट नहीं है, सीजन परमिट $190 का लेंगे। यस, बट जिसको भी बीच पे गाड़ी चलाने का शौक है, बीच पे डायरेक्ट वाटर के फ्रंट पे लाइक कैंपिंग करना है, उसको सीजन पास लेना वर्थ इट है। पूरे सीजन का है, बहुत ही नेचुरल है, बट सिर्फ यहीं पे, सिर्फ यहीं पे। समर गिरेगा, समर गिरेगा तो बोला ना गिरेगा। बीच पे आ गए हैं हम लोग, सैंडी नेक बीच। $25 पार्किंग है, वो तो पता ही है कि पूरे मैसाचुसेट में कहीं जाइए $25 से $35 पार्किंग रहती है। ऐसा लगता है खून चूसने पे पड़े हुए हैं लोग यहाँ पे। जैसे आए कंचन बोली ये कहाँ आ गए, एकदम सुनसान बीच, कोई दिख ही नहीं रहा है लोग। हाँ वही है कि मतलब थोड़ा यंग क्राउड रहता तो अच्छा है, यहाँ पे लोकल एंड ओल्ड क्राउड है। मतलब बीच पे जाओ तो थोड़ा बीच जैसा फील आना चाहिए ना, तो बीच पे हम लोग सिर्फ सैंड और वाटर ही नहीं देखते हैं ना, अच्छा क्राउड भी रहना चाहिए। हाँ, बट अगर लोगों को पार्टी करना है, अगर ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, म्यूजिक लाना है, यहाँ पे खूब धमाकेदार पार्टी करना है, उसके लिए अच्छा है। क्योंकि इधर देख सकते हैं, इधर पूरा साइड में पूरा कैंपर्स हैं, अपना आरवी ला के वहाँ खड़ा करके और रात भर यहाँ रह सकते हैं। इसके आगे भी है, परमिट लेके आप कैंपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्पेसियस है, इंजॉय कर सकते हैं, वाइल्ड है, बट डिफरेंट बीच है। सो एनीवे, हमेशा नया बीच एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेक सम एरियल व्यू कि यहाँ पे क्या क्या है। बोस्टन से 1 घंटे की दूरी पे है। आई विल पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन। आई थिंक कंचन ही यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल की है। थैंक यू। ये देखिए हमारी टीम क्या कर रही है, यहाँ पे बैठ गए हैं लोग, लगा दिया हूँ। यस, इंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड बढ़ गया है, इधर भी देख सकते हैं भर गया है, इधर भी काफ़ी लोग हो गए हैं। कंचन अभी रन करने गई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा स्विमिंग करने के लिए जाऊँगा अंदर। आज कंचन ने ठान लिया है कि 10 माइल से ज़्यादा दौड़ेगी। एक्चुअली ये बीच उधर जाके वाइल्ड है, कोई कार से नहीं जा सकता, तो वो दौड़ते दौड़ते चली गई, करीब 4 माइल आगे चली गई है और अभी भी आगे जा रही है। अगर उसका लोकेशन चेक कर रहा हूँ तो अभी भी आगे जा रही है। Got it? भाई कितना दौड़ी हो, कितना दौड़ी हो, 6.5 माइल। मुझे लगा था कि तुम चली जाओगी वो लाइट हाउस टच करके आओ, थोड़ा सा अगर मौसम का होता है, एक पानी की बोतल ही होता है। ये देखिए सबसे अच्छा चीज़ तो ये है, एक पर्सन 3 लोगों को अच्छे से घुमा रहा है। अभी हम लोग लाए हैं आइस में कोल्ड किया वाटर मेलन है। Are you guys excited? Come here. Yes. Yeah. Mm. Yeah. Mm. छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कट कर दूँ? Yeah. छोड़ दो, कंचन। Wow. हम लोग का बीच कार्ट पैक हो चुकी है, हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ का एकदम नज़ारा एकदम चकाचक है। हम लोग आए थे तो यहाँ लगाए थे, पानी यहाँ तक था, अभी एकदम अंदर चला गया, तो काफ़ी अब सैलो हो गया है अंदर तक जाने के लिए। इधर भी काफ़ी सैलो हो गया है। हाँ बोलिए, सिटी। हाँ चलो नहा लो, तो फिर कोई सिटी घूमने चलते हैं। हाँ कहाँ जाना है? कैंपिंग। हेल्प करो और जोर से। इस बीच पे बाथ हाउस ठीक ठाक है, यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है, बर्गर फ्राइज आइसक्रीम वगैरह है, वहाँ भी अच्छा है। इधर रेस्टरूम है,
नहाने के लिए थोड़ा सा बनाया हुआ है। हमारे कई सारे दोस्त बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा हीट है, 100 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है, जाने लायक नहीं है, बट बाकी सब बोल रहे हैं बहुत परफेक्ट है बीच के लिए। और मल्टी लेवल पार्किंग है, इधर भी है, डाउन भी है, सबका सब फुल हो चुकी है। अभी एकदम बीच मस्त हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं। लो टाइड 2 बजे था तो टाइड नीचे चली गई है, तो काफ़ी ज़्यादा सैलो हो गया है। अब एक्चुअली समर समी के प्ले करने लायक बेस्ट है। अभी आप लोग बताइए कि कंचन कैसी लग रही है। हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि जंगल में इतने सुंदर सुंदर लोग कैंपिंग करते हैं, सारे लोग सिटी से जंगल में ही आ जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं एक ग्लास ब्लोइंग शॉप देखने के लिए, देखते हैं क्या है। वो पढ़ रहा था कि सैंडविच एरिया में, हाँ यार सैंडविच जब भी बोलो तब भूख लग जाती है, तो इस एरिया में ब्रिटिश टाइम से ही सबसे फेमस था ग्लास ब्लोइंग के लिए। ग्लास म्यूजियम वगैरह भी है, बट आई बहुत ज़्यादा पैसा देके हम लोग कोई म्यूजियम नहीं देखना चाह रहे हैं ऑनेस्टली। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक शॉप जहाँ पे ग्लास का सामान मिलता है और वो ग्लास ब्लो करके दिखाते भी हैं। हाँ तो देखते हैं। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, खरीदेंगे नहीं हम लोग। तो ये है ग्लास स्टूडियो ऑन केप कॉड, वन ऑफ द फेमस सेलिब्रेटिंग 30 इयर्स। हम तो हिस्ट्री बता रहे थे, तो 30 इयर्स। यस डू नॉट, ओ माई गुडनेस, सी सच ए ब्यूटीफुल पीस, सी कैसे इसके अंदर क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये तो फ्लावर वास है ना? हाँ ये सारे। फाइन पीस है, नहीं देखो एक एक के अंदर बहुत अच्छी सी डिज़ाइन निकाली गई है। ये 125 का है एक एक। और बाउल बहुत औसम वाली पीस है, इसके अंदर डिज़ाइन ऐसे दिख रही वायर की, वो बहुत यूनिक है। अभी हम लोग आ गए इनके स्टूडियो में, इस पर कुछ वाटर अगर भरा लग रहा है ना, जिसके अंदर चलते हैं देखते हैं कि ग्लास ब्लो हो रहा है। आई होप ये लोग जा रहे हैं अभी कुछ बनाने के लिए। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये फर्नेस है जो बहुत हॉट है, ये बहुत आर्टिस्टिक लगता है। And then it can be melted in smooth motion instead of just a spotty pattern. Oh my goodness. What? A nut? Nut, yeah. A nut? This is a nut. A nut? Yeah. Glass. The nutty boy. What? A turtle. There I go. Yeah. Thank you. No, thank you, नहीं बोला आप लोग। Thank you. बिग हो रहा है देखा। सी गाइस सी कैसे बन गया। ओके सो ये घर चारों तरफ ऐसे ही शीशे से सजा हुआ है, इधर भी पूरा शीशे से सजा सकता है। हाँ स्मॉल स्मॉल है, यस सो कूल। ये ग्लास का है, टच मत करना टूट जाएगा। पूरा ग्लास का बना है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी एक चीज पता चली कि जो लैंप बनाए हैं, लैंप बनाने के बाद हाँ इनको ये दिए हैं एक एक ऐसे गिफ्ट पीस की तरह दिए, एक समर को एक समीर को। वो लैंप को कूल डाउन करने के लिए 2 दिन टाइम लगेगा, तो अगर तुरंत रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो ख़राब हो जाएगा और ब्रेक भी ब्लास्ट भी हो सकता है। तो रखे हैं स्लोली स्लोली, यह 1000 डिग्री फारेनहाइट पे रखे हैं और कल तक ठंडा होगा। तो यहाँ पे बीच अलग थी, ये सैंडविच टाउन का बीच थी, वो सैंडी नेक का बीच अलग थी, तो वहाँ की पार्किंग यहाँ पर काम नहीं की। यहाँ पर $20 एक्स्ट्रा मांग रहे थे हम लोग की नहीं, बट बहुत अच्छा सा ओपन लैंड है, घूमने लायक है, बोर्ड वॉक अच्छा है।
अब जा रहे हैं हम लोग सैंडविच सिटी घूमने। सैंडविच ही forget this why do I regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up I'm breathless anxiety is infectious ये भी एक रेस्टोरेंट है सैंडविच का जो अभी सब बंद है एंड ये सब क्या है ये भी कोई पुराना लाइफस्टाइल दुकान ही है यार यहां की बस तो ये है इतना ज्यादा जिससे ज्यादा सैंडविच में कुछ नहीं दिख रहा है सो आई कैन से कि सैंडविच बहुत हेल्दी सिटी है कोई क्राउडिंग नहीं है कोई पॉल्यूशन नहीं है सो ऑलवेज सैंडविच लाइक वेरी हेल्दी सिटी। कंचन के लिए सावन का झूला बना रहा हूँ कैंपिंग में देखिए कितना अच्छे से बनाया है रस्सी लेके आया था पूरा प्लान करके आया था रोमांटिक और ये कैंप फायर वाली लकड़ी है इससे हम जा रहे हैं सेट करने और इसके बाद इस दुल्हनिया को मस्त झूला पे झुलाएंगे इसी ड्रेस में तो क्या झूठ बोल रहा हूँ झूला रोमांटिक बना रहा हूँ इसको झुलाने के लिए ऊपर से अब कुछ हो गया है गिर गई चोट लग गई नो रिस्पांसिबिलिटी किसकी रहेगी मतलब इंटेंसली नहीं कर रहूँगा मैं कुछ ऐसा चलो चलो अब देखिए कितना अच्छा से बनाया हूँ झूला सेट करने के बाद इसके अच्छे से ड्रेस में कोई वो ना आए मतलब छोटा सा पिंच ना आए उसके लिए मैंने एकदम मस्त अपनी टॉवल लगा दिया है बीच टॉवल ऐसे झूलते हैं ऐसे नहीं है बैठ के झूलो ऑसम लग रहा है कंचन तो मतलब गांव में तो नहीं रही बट गांव वाली सारी स्किल तो मैं सिखाता हूँ वो फील देता हूँ ताकि ऐसा लगे कि तुम मेरे गांव में भी रही हो अरे झूले वाले गाने गाओ भाई कोई इतना अच्छा सा झूला बनाया हो तुम्हारे लिए है? तो कंचन हमारी साजिश को पकड़ रही है हमारे पास वो है हमारे पास समर समीर हमारी लाइफ है ये हमारी वाइफ है तो लाइफ के लिए वाइफ को झूले पे बिठा के चेक कर रहे थे मतलब झूला एक्चुअली हमारी लाइफ के लिए वाइफ के लिए नहीं था अब चेक तो कोई हम ही लोग करेंगे ना थोड़ा सा लकड़ी और कोल मिला के हम लोगों ने अच्छे से फायर लगा दिया है और कंचन जा रही है पनीर की सब्जी बनाने जिसमें हम लोग मटर पनीर बनाना था और मटर भूल गया है ये देखिए कितना मसालेदार अच्छा बना ये एकदम गरम मसाला अपनी तरह सारा नाम अभी वो कर दीजिएगा गरम मसाला आज के बाद पूरी टीम काम में लगी हुई है मैं राइस धोके ले जा रहा हूँ वाटर ले जा रहे हैं उधर खाना बन रहा है थैंक यू सो मच राइस रेडी हो गया पनीर रेडी हो गया एंड आज हम लोग बहुत पहले खाने जा रहे हैं सूरज डूबने से पहले मतलब बड़ा और हमारी टीम मार्शमेलो खा रही है कैसा लग रहा है भाई वेरी गुड गुड जॉब इट्स टाइम फॉर फूड रिव्यू मार्शमेलो को रिव्यू करके बताओ मैंने कैसा बनाया गुड यू आर नॉट ए गुड रिव्यूअर इट्स सो यू हैव टू से लाइक इट्स रियली रियली वेरी वेरी गुड इट्स सो डिलीशियस आई कांट बिलीव इट आई हैव नेवर हैड सच मार्शमेलो बिफोर ओके ऑसम ऑसम अल्टीमेट It's really awesome paneer I have ever had. इतना बुरा बनाया है? It's unbelievable. खा के देखो. खाओ तो. इतना bad तो नहीं है जी. अरे मैं bad बोला? You said ultimate. Ultimate का मतलब क्या होता है? बोलो समीर. Ultimate. हम लोग को आग जलाने का मन नहीं है समीर बोल रहा है कि आग जलाना है तो अपने आप सारा आग लगा रहा है बड़ी वहाँ से सब लकड़ी रखे हैं उठा उठा के डाल रहा है फाइनली समीर आग लगवा दिया एंड समर अपनी स्टोरी सुना रहा है अच्छा आई एम लिसनिंग द स्टोरी बैड बॉय
would do okay. it once yeah, again. He was digging a big, big, big hole in a monster truck dumper. हम लोग अब नाइट हो गई है, आज हम लोग जल्दी सोने जा रहे हैं क्योंकि सब लोग दिन में टायर्ड हो गए हैं एंड गिरे पड़ा है गिरे पड़ा है लड़का। I'm tired. You are tired or not tired? Not tired. You want to run? So चलिए यहीं ब्लॉग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड इफ यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल सब्सक्राइब। अरे गाइस क्या होता है सब्सक्राइब भाई बताइए आप लोग, अरे सब्सक्राइब करके बताइए क्या होता है सब्सक्राइब। बाय बाय।